नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F41 versus Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F41 में 6.27 इंच जबकि Oppo A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F41 में 2.96 इंच जबकि Oppo A54 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F41 में 0.35 इंच जबकि Oppo A54 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F41 में 191 ग्राम्स जबकि Oppo A54 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F41 में Super AMOLED जबकि Oppo A54 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy F41 में 19:5:9 जबकि Oppo A54 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F41 में 6.4 इंचेस जबकि Oppo A54 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F41 में 1080x2340 और Oppo A54 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F41 में 83.92% जबकि Oppo A54 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F41 में 403 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo A54 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F41 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A54 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F41 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A54 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F41 में Mali G72 MP3 जबकि Oppo A54 में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F41 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Oppo A54 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F41 में 6GB जबकि Oppo A54 में 4GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F41 में अप टू 512GB जबकि Oppo A54 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F41 में 6000 mAh जबकि Oppo A54 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy F41 की 15,499 रुपीस जबकि Oppo A54 की 13,299 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A54 की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी F41 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी F41 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में गैलेक्सी F41 आगे है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F41 आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy M31 है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy A21s है जो कि 15,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 आई है जो कि 13,525 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।